हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बीटरूट रागी डोसा और हम इसे इंस्टेंट ही बनाएंगे। हम इसे फर्मेंटेशन के लिए नहीं रखेंगे और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और हम साथ में बनाएंगे मैंगो कोकोनट चटनी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ये दो बीटरूट ले लिए, छोटे वाले बीटरूट मेरे पास थे तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे सबसे पहले छील लेंगे और इसे रफली चॉप कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक छोटा ग्लास में एक ग्लास पानी ले लिया है, हम इसे डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अब हमारा बीटरूट प्यूरी बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे एकदम बारीक कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ले लिया, हम इसे भी एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो मिर्ची जो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया और अब हम सबसे पहले इसमें हमारा जो बीटरूट का प्यूरी था हम उसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी रागी का आटा ले लिया है, मैंने रागी था मेरे पास उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी चावल का आटा ले लिया है और एक ग्लास मैंने जो ग्राइंडर जार हमारा था उसमें मैंने एक ग्लास पानी डाल के ले लिया है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो रागी को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नाचनी, फिंगर मिलेट या फिर इसे मडुआ भी कहते हैं। आप इसे क्या कह के बुलाते कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मेरे को पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिर्ची बारीक चॉप करके रखा था और हरा धनिया, और हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा ले लिया है और हाफ टेबल स्पून नमक। और अब हम इसे एकदम अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरीके से होनी चाहिए। और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और जब तक 10 मिनट्स होता है हम अपना मैंगो कोकोनट की चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा आम ले लिया है जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे छील लेंगे। और मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लिया है और अब हम यहाँ पे मैं जो है सिर्फ हाफ मैंगो यूज़ करी क्योंकि ये काफ़ी खट्टा है तो हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी नारियल ले लिया जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जिसे आसानी से पीस जाए। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले लिया और थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पुटेना चना दाल ले लिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अभी ग्राइंड हो चुका है, मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने चटनी को और इसमें हम तड़का लगाएंगे एकदम बढ़िया सा। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून सरसों, 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून चना दाल ले लिया और अब हम इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। और अब मैंने यहाँ पे छोटा छोटा 3 लाल मिर्च ले लिया है और 7 से 8 करी पत्ते। और अब हमारा तड़का जब बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे हमारी चटनी में डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो चटनी है मैंगो कोकोनट की चटनी वो बिल्कुल बनके तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें जो है 1 स्पून मैं यहाँ पे बैटर ले रही हूँ। इस तरीके से हम इसे डालते जाएंगे और हमारा डोसा को हम तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सिक चुका है ये, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ और अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। और अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा डोसा जो है एक तरफ से बिल्कुल तैयार है तो अब हम इसे पलट लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए डोसा को भी तैयार कर लेंगे। और अब हमारा इंस्टेंट क्रिस्पी बीटरूट रागी डोसा जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये रेसिपी कैसे बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।